तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ यानी कि 100% मैंने आपको कपड़े को हटाकर दिखाऊंगा और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि फ़ोटो को वहाँ से कपड़े को कैसे हटाया जाता है। मैंने पहले से इस वीडियो बनाया है इस चैनल पर, लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया है जिसके कारण मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल बारीकी से आपको देखना है, वीडियो को पूरे अंत तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आपको कहाँ से रिमूव करना है और कैसे रिमूव करना है। बिल्कुल यहाँ पे लाइव प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा और आपको हटा करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हटता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ से लाइक कर देना है। आज का लाइक का टारगेट है सिर्फ 500 लाइक, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि 500 को लाइक जरूर पूरा करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेड कलर का बटन दबाकर, और यहाँ से ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और छोटा सा एक और काम करना है, नीचे जाना है और नीचे जा करके यहाँ पे टाइप करना है कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग नाइस वीडियो कपड़ा कैसे निकालें या ऐप्स का नाम बताओ, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कमेंट यहाँ पे आया हुआ है। तो ऐसे अच्छा अच्छा कमेंट आप कर सकते हैं या हाउ टू रिमूव क्लॉथ, ऐसे करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रिमूव ऑब्जेक्ट आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है रिमूव ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूँ और वहाँ पे टाइप करके मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखना है रिमूव। जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट में ये एप्लीकेशन आ जाएगी, आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे हटाने के लिए करना क्या है कि सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आपको सिंपल सा डाटा बंद कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐड आता है। तो चलिए मैं डाटा बंद कर लेता हूँ। डाटा बंद करने के बाद इस एप्लीकेशन को मैं ओपन करूँगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे गो का ऑप्शन भी मिलेगा, आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि ऑब्जेक्ट रिमूव यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाए। तो जैसे ही आपका गैलरी ओपन होता है वहाँ से आपको करना क्या है कि आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप कपड़े को रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो ले चुका है और इस फ़ोटो से मैंने इस कपड़े को रिमूव करके आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा गोल राउंड का, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे की ऑप्शन दिख रहा होगा ब्रश का, तो सिंपल सा आपको ब्रश पे क्लिक करना है यहाँ पे। जैसे मैं ब्रश पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे क्लिक हो गया है तो आपको अपने उंगली से स्क्रेच करना है जिस कपड़े को, जहाँ से हटाना है आपको वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्क्रोच करना है। जैसे मैं यहाँ से स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं स्क्रॉल कर दिया और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा नेक्स्ट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है तो ये बिल्कुल रिमूव कर देगा। जैसे कि मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया कि यहाँ से कपड़े को रिमूव कर दिया, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।